मेरे रूट्स बहुत ही अजीब लग रहे हैं, लाइट डार्क लाइट, पर इट्स ओके, घर में कलरिंग करने के साइड इफेक्ट्स। फिर क्यों स्टार्ट हो गई मैं, वो हो नहीं क्या वो जो मैं बोलती हूँ लेट्स बिगिन विद द वीडियो, याद होगा? हाँ हाँ, जब मैंने बोला था लेट्स बिगिन विद द वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, टिकटॉक। शरीफ का टोकरा रखना पसंद करेंगे, दरस दरस लगाई हुई है, मैं वीडियो ना बना सा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी निशा। 50 बार मैं ये बोल चुकी हूँ, थक गई हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम टिकटॉक की वायरल हैक्स ट्राई करेंगे कि वो काम करती भी हैं या नहीं। मैंने बहुत सारी वीडियोस, मतलब मेरा तो काम ही क्या है आजकल, टिकटॉक देख रही थी, माइंड में था कि वीडियो बनानी है, लेकिन जैसे ही हम सुबह उठे तो टिकटॉक था बैन, माशाल्लाह पाकिस्तान। खैर शुक्र है कि मैंने वीडियोस डाउनलोड कर ली थी पहले ही, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड बाकी क्या करना है आपको पता है, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इस वीडियो के लिए मैं तमाम प्रोडक्ट्स यूज़ करने जा रही हूँ वो मैंने ख़रीदे हैं दराज से। दराज वाहिद एक ऐसी ऐप है जहाँ पर आपको फैशन, ब्यूटी, हेल्थ, ग्रोसरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर रही हूँ, अगर आपको इन तमाम प्रोडक्ट्स में से कुछ भी चाहिए तो आप इस लिंक को प्रेस करेंगे और प्रोडक्ट्स परचेस करेंगे। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने ख़रीदे हैं, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करके आप लोग को दिखाऊंगी। ये वाले तो बहुत ही ज़बरदस्त है और रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। सो पहला हैक है कोई भी बीबी क्रीम, कोई भी सीसी क्रीम या कोई भी टिंटेड मॉइस्चराइज़र को फुल 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 कवरेज फाउंडेशन किस तरह से बनाते हैं। सो जो ये वीडियो है इसमें जो आर्टिस्ट हैं इन्होंने फाउंडेशन में फेस पाउडर को ऐड किया, मिक्स किया और फेस पर अप्लाई किया, देन ब्लेंड किया। हम उसके लिए यूज़ करने जा रहे हैं CVB की मैजिक स्किन ब्यूटिफायर BB क्रीम, जिसमें है SPF 30++, ठीक है, शेड नंबर 02। इसमें मैं ऐड करूँगी CVB की, CVB स्टैंड फॉर चार्म वॉश ब्यूटी ब्लूमिंग फेस पाउडर, मैं यूज़ करूँगी इन शेड 03। दोनों को मिक्स करके अप्लाई करेंगे, लेट्स सी कि क्या रिजल्ट बनता है, अच्छे से ब्लेंड होती है यानी पैची तो नहीं होगी। सो यूजिंग ये वाला ब्रश, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है CVB प्रोडक्ट्स की, और ये मैंने खुद परचेज किए थे दराज से। अच्छा तो मैं CVB के ये ढकने पर ही फाउंडेशन डालूँगी और पाउडर ऐड करूँगी, एंड देन हम इसको अप्लाई करेंगे। Why you are making so gandy gandy face? Why you wearing padhe isi baat foundation aake mix kaise? Oh my god, I totally forgot. Kya kare bachchon ke saath to? Dimag ka dahi balle bana hota hai har waqt. Gandey ko sirf table pe. Ye tumhari wajah se. Hum baalon ko kar lenge pichhu. It's not just me. Aaj ka din hamara nahi hai. Let's begin with the tutorial. सच बात बताऊँ तो मैंने तो प्राइमर लगाया ही नहीं, पहले हम प्राइमर लगा लेंगे, ठीक है ना भाईजान, हम जरा थोड़ा बैठ जाएंगे कहीं। प्राइमर के लिए मैं CVB का 24K गोल्ड जेल प्राइमर यूज करी हूँ और ये है ऑयल फ्री, एंड अंदर से लुक्स लाइक दिस, जैसे कि बीबी क्रीम थी। फटाफट कर लेंगे भाई, बहुत देर हो गई, बहुत सारे काम है, मैंने बहुत सारे काम करने हैं आज। प्राइमर बहुत जबरदस्त था, बीबी क्रीम बहुत अमेजिंग तरीके से अप्लाई हुई, सुपर सॉफ्ट, पोर ब्लर हुए हैं, हाँ जी पोर ब्लर हो चुके हैं। फाउंडेशन की बारी, बेचारे ने बहुत वेट किया है, सो वाइट, व्हाई? नहीं भाई ठीक है, कैमरे में वो चिट्टी पेल लग रही है फाउंडेशन, बट इट्स फाइन। प्लीज ब्रदर, कैसे भाई हो तुम मेरे, तुम में कोई एहसास ही नहीं है। कितने अच्छे से ये ब्लेंड हुई, आगे मैं आप लोगों को रिजल्ट्स दिखाऊंगी। ओके भाई, सो फाउंडेशन लुक्स लाइक दिस, जो मेरे यहाँ पे रेड पिंपल था, यहाँ पे थोड़े पिंपल थे, वो कवर अप हो गए, किसी भी फाउंडेशन के साथ कवर अप हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास बीबी क्रीम है एंड यू वांट कि वो फुल कवरेज हो जाए तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। चले भाई तो अब दूसरा हैक ट्राई करते हैं, आई शैडो हैक। उसके लिए मेरे बाज यूके का फैंसी आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, बहुत सिंपल बहुत इजी ये आई शेडो हैक है, आराम से देखें, ठीक है ना। अगर आप सीख रहे हैं आई मेकअप तो इससे आपकी ज़िंदगी आसान तरीन होने वाली है। कैसे, लेट मी शो यू दैट। एक फ्लैट ब्रश लेना है, ठीक है, सबसे डार्क शेड, इसको मैं डार्क से गंदा कर दूँगी,
देखिए टेक्निक बहुत सिंपल है। फ्लैट ब्रश की मदद से आपने पहले ब्लैक शेड आउटर वी पर अप्लाई करना है, फिर थोड़ा सा लाइट ब्राउन अप्लाई करना है, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, एंड लास्ट में आपने शिमर शेड्स अप्लाई करने हैं। देन एक छोटू सा फ्लफी ब्रश लेना है और आपने इसके एजेस को जो है वो अच्छे से ब्लेंड करना है। देन क्लीन फ्लफी ब्रश की मदद से आपने इसके एजेस ब्लेंड करने हैं। आई लुक डन। अगर आपको कोई आई शेडो गिर जाए तो आपने क्या करना है ऐसे? आई थॉट कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लोजअप दिखा दूं कि आई शेड्स दिखते कैसे हैं और आप लोगों ने इसको ब्लेंड कैसे करना है। छोटा सा ब्रश लेकर इसको हल्का हल्का इस तरह से इसके एजेस को ब्लेंड करना है। बहुत प्यारा लगता है। आप इसके ऊपर ग्लिटर्स और शिमर्स भी लगा सकते हो। सो फेस मेकअप के लिए मैंने लशियस की कॉन्टोर पैलेट यूज़ की है, ठीक है, पहले, और फिर मैंने ये शिमर ब्रिक यूज़ किया है 02 CVB का। स्टनिंग, मेरी तरफ से रिकमेंडेड, बहुत ही खूबसूरत और हसीन। अगर आपको हाइलाइटर नहीं पसंद तो सिर्फ आप ये ब्लश यूज़ कर सकते हो। देन भाई ये रिवाज यूके का हाइलाइटर पैलेट इतना कोई हसीन है, बहुत खूबसूरत लगता है, ऑल स्किन टाइप्स पे बहुत सूट करेगा। अच्छा जी, तो आई मेकअप जो है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी। इसके ऊपर मैंने पिगमेंट लगाया। अगर आपको कोई आई मेकअप नहीं आता, आप आई पिगमेंट्स ले लो भाई, कमाल का आई मेकअप होता है इससे। सिर्फ आपने प्रेस करके अपनी आईज पे लगाना होता है, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत सा इफेक्ट देता है ये। तो मैंने यहाँ पे अम्ब्रीज कॉस्मेटिक्स के पिगमेंट यूज़ किए, शेड है नंबर 10, जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, उसमें ये तमाम शेड्स आपको इसमें मिल जाएंगे। बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत लगते हैं, लाइक लुक एट दिस, सो प्रिटी। ठीक है, मैंने लैशेज भी लगा ली, मस्कारा नहीं लगाया। मस्कारा अभी मैं CVB का मस्कारा लगाने जा रही हूँ, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को बीबी क्रीम का रिजल्ट दिखाऊं क्लोजअप करके कि कितना अमेजिंग रिजल्ट है इसका। सो आई मेकअप लुक्स bomb.com, इसी टेक्निक से आप भी ट्राई करें, वेरी गुड। नेक्स्ट हम ट्राई करने जा रहे हैं नेक्स्ट हैक जो है, इट्स फनी। इससे क्या होगा, आपके लिप्स जो हैं वो बिगर एंड फुलर नज़र आएंगे। जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर ग्लू अप्लाई की है, आईलैश ग्लू, एंड फिर लिप्स को यूँ चिपका दिया है फॉर फुलर लुकिंग लिप्स। करने जा रही हूँ डुओ, एंड इसको मैं यूज़ करूँगी कुछ इस तरह से, यहाँ पर अप्लाई करूँगी। ठीक है, अच्छा तो ग्लू मैंने अप्लाई कर लिया, अब इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे एंड देन हम इसको यूँ चिपका देंगे। हम नीचे के साथ भी ऐसे कर सकते हैं। I look so pretty. Okay, so ये थोड़ा सा ड्राई हो गया, अब हम इसको चिपकाने की कोशिश करते हैं। कुछ भी नहीं हुआ। सो भी नहीं रहा था। वैसे का वैसे ही। जरा तस्वीर खींच ऐसे। ओके, सो दिस हैक इज़ अ डिज़ास्टर बिकॉज़ ग्लू सूखने का नाम नहीं ले रही, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपके पास अच्छी हो ग्लू, क्योंकि मेरे पास तो अच्छी ग्लू है, इससे ज़्यादा अच्छी कौन सी होनी है। जर्मन ग्लू ना लगाने बैठ जाना और इल्फी ना लगाने बैठ जाना लिप्स को प्लम करने के लिए, लेकिन मार्केट में इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आए हैं लिप्स को प्लम करने के लिए कि आपको इसको ज़रूरत ही नहीं है भाई इसको चिपकाने की। बट वाई इट्स नॉट चिपकिंग, I was so curious कि देखूँ मैं। ग्लू फाउंडेशन पे नहीं चिपक रही। हाँ, ग्लू शायद फाउंडेशन पे नहीं चिपक रही, मैं भी शायद। चलो, this trick is for me. Next हम ट्राई करते हैं लिप लाइनर के साथ आप अपने लिप्स को किस तरह से बड़ा दिखा सकते हो। मेकअप आर्टिस्ट ने लिप्स को बंद करके लिप लाइनर अप्लाई किया है और लिप्स को बंद रख के ही लिपस्टिक अंदर अप्लाई की है और लिप्स जो है डबल इन साइज नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स ट्राई कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है कि नहीं। तो आई पेंसिल है भाई, लिप लाइनर में लेके आती हूँ। जी जनाब, तो लिप लाइनर के लिए मैं रिवाज यूके का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये भी आपको दराज ऐप से आसानी से मिल जाएगा। दराज ऐप पे काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये CVB के तमाम प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल हैं
और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर दी है। लिप्स को बंद रखते हुए आपने अपनी लिप्स को लाइन करना है, ठीक है। फिर फोकलोर की ये क्रीम लिपस्टिक मैं यूज़ करी हूँ, अगेन ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आराम से मिल जाएगा। इसका टेक्सचर काफ़ी वेलवेटी है। इसकी मदद से मैं अपनी लिप्स को कर रही हूँ कलर। आपने लिप्स को ओपन नहीं करना क्योंकि मैजिक बाद में नज़र आना है। जैसे ही आप लिप्स को ओपन करेंगे और आपके लिप्स काफ़ी प्लम्प बिगर इन साइज नज़र आएंगे, ये हैक काफ़ी कमाल का है। सो ये वाली जो हैक है, व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मुझे तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी लग रही है बिकॉज माई लिप्स लुक्स सो। ग्लोई स्प्रे करूँ अपने फेस पे, ये आपको बहुत ही प्यारा ग्लोई सा इफेक्ट देती है मेकअप करने के बाद। सो ये है निक्स की डूई फिनिश सेटिंग स्प्रे जो कि आपके स्किन को बहुत ही ग्लोई एंड मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। ओके, सो ये हैक जो है वो बहुत ही इजी और सिंपल है। अगर आपको आईलाइनर अप्लाई नहीं करना आता तो आपको ये हैक बहुत पसंद आएगा। अच्छा, आप ये मेकअप आर्टिस्ट का देख लें, इन्होंने बस ब्लैक डार्क आई शेडो अपनी आईलिड पर अप्लाई किया है और फिर क्यू टिप की मदद से जो है उसको नीट किया है, मतलब कि पाउडर आईलाइनर, आई शेडो आईलाइनर कह सकते हैं। तो मैं ये ब्लैक शेड ले रही हूँ, ठीक है, और इसको मैं अपनी आईलिड पर अप्लाई करूँगी बिल्कुल आईलैश के बिल्कुल करीब, ठीक है, बिल्कुल करीब। क्यू टिप ले रही हूँ और क्यू टिप के साथ मैं यूज़ करूँगी न्यूट्रोजीन का डीप क्लीन आई मेकअप रिमूवर। ज़बरदस्त आई मेकअप रिमूवर है, एक तो अफोर्डेबल है, दूसरा आई मेकअप बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है और कोई इरिटेशन वगैरह नहीं होती। अगर ग्लिटर लगे हुए हैं तो भी आसानी से रिमूव हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको लूँगी मेकअप रिमूवर एंड देन। सो हमने एक विंग आईलाइनर अचीव करना है, इसीलिए हम इसके आउटर एजेस जो है वो नीट एंड क्लीन करेंगे विद क्यू टिप जिस पे हमने मेकअप रिमूवर यानी आई रिमूवर अप्लाई किया है। आई रिमूवर बेहतरीन है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो भी ये आई रिमूवर आपको जो है वो सूट करेगा। सो मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ। भाई बहुत कोई कमाल का लाइनर लग जाता है, मेरी तरफ से भाई ज़रूर ट्राई करिएगा ये तमाम हैक्स। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर और भी हैक्स की वीडियो आप लोगों ने देखनी है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मुझे इंस्टाग्राम में DM वीडियोस भेज दें तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी सिर्फ हैक्स की। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प था, डू लेट मी नो आपको पसंद आई कि नहीं। एंड ये ग्लॉस जो है ना बहुत ही ग्लूपी एंड चिपकी चिपकी हो रही है। आई होप आपको वीडियो में इरिटेट नहीं करी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना डेरो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंग्लिश ना बोले कर ज़्यादा। इट लुक्स वेरी गुड, इट लुक्स अजीब, मैंने कभी इतनी ओवरलाइन